फैल रही, तेजी के साथ फैल रही है। हमारे यहां कोरोना पर हजारों की संख्या में एकत्र है, कोरोना में पूरी तरह अंकुश है, कंट्रोल है, क्योंकि मोदी जी ने दो प्रभावी वैक्सीन दे दी है। आप मुझे बताइए क्या कांग्रेस होती तो क्या वैक्सीन आ जाती? नहीं आती, नहीं आती, वैक्सीन नहीं आती। और अगर आई गई होती, वैज्ञानिक लेके आई गए होते, तो कांग्रेस के नेता सोई ब्लैक कर देते, गरीबों को तो नहीं मिलती, नहीं मिल पाती। याद करिए, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में दी गई, और 3.5 वर्षों से गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा मिल रही है और अगले 5 वर्ष तक मिलती रहेगी। यह भी काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले कर दिया। भाइयों बहनों, पहली बार इस सुविधा का लाभ देश के अंदर इस रूप में प्राप्त हो रहा है। लेकिन राजस्थान में भाइयों बहनों, इन 5 वर्षों में हमें पीड़ा होती है, कैसे कन्हैया लाल साहू की गला रेत करके हत्या की गई, कैसे किया और सरकार मौन, सरकार के प्राणों में चू नहीं रेंग रहा था। यहां पे मैं पिछले 4-5 दिनों से प्रचार में हूं राजस्थान में, जहां जाता हूं कहीं खनन माफिया है, कहीं वन माफिया है, कहीं पशु माफिया है, कहीं पेशेवर अपराध में संलिप्त माफिया है। और जब भाइयों बहनों इन माफिया की चर्चा होती है, तो मुझे पुराने उत्तर प्रदेश की याद भी आती है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे, और इनके लिए मैंने एक नया अनुसंधान किया था यूपी में, और वह अनुसंधान है हमारा बुलडोजर का। आप देखते होंगे ना, माफिया को रौंदते हुए बुलडोजर कैसे यूपी में चलता है, उनके संपत्तियों को जब्त करके और गरीबों की आवाज कैसे वहां बनते हैं, महिला संरक्षण गृह कैसे बनते हैं, गरीब बच्चों के आवासीय विद्यालय वहां पर कैसे बनते हैं, ये उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने करके दिखा दिया। और माफिया का इलाज तो डबल इंजन की सरकार ही है, डबल इंजन की सरकार हो, कार्य करने की इच्छा शक्ति हो, माफिया पनपने नहीं पाएगा, पनपने नहीं पाएगा। भैया बहनों, यह विकास का सबसे बड़ा बैरियर है, ये माफिया गिरी, और इस माफिया को हर हाल में डबल इंजन की सरकार रोकेगी और इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। एक तरफ राजस्थान के अंदर जहां देखो वहां पे सरकारी योजनाओं में लूट, कोई योजना प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाती। जब राजस्थान में विपत्ति आती है तो यहां के हुक्मरान पिकनिक मनाने के लिए निकल गए होते हैं, उन्हें राजस्थान की जनता जनार्दन की चिंता नहीं होती। एक और रियल स्थिति, और दूसरी तरफ मैं देख रहा था, भगवान राम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, वनवास कालखंड में भी सर्वाधिक समय यूपी के चित्रकूट में रहे, लेकिन भाइयों बहनों रामनवमी में सर्वाधिक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होते हैं, सर्वाधिक जुलूस उत्तर प्रदेश में होते हैं, लेकिन कर्फ्यू राजस्थान में लगता है, कर्फ्यू राजस्थान में। मैं वही सोच रहा था कि क्या ये कर्फ्यू राजस्थान में क्यों, पता लगा कि साहब वहां पे राजस्थान सरकार ने रामनवमी के जुलूस पे रोक लगा दी, रामनवमी के जुलूस पे रोक। मैं जिस जिले में जाता हूं वहां किसी एक संत की हत्या हुई होती है, यानी संत भी सुरक्षित नहीं, रामनवमी के जुलूस पे रोक, हर धार्मिक पर्व पे रोक, या वहां कर्फ्यू। 6.5 वर्ष से उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगा, कोई दंगा भी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के दंगाई
दूसरे लोक की यात्रा में भेज दिए गए हैं। अबे नरक लोक की यात्रा में गए हैं, उनको अब यहां मनुष्य लोक नहीं मिलने वाला है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आया हूं आपके पास। ये सरकार आपका न विकास करा सकती है, न सम्मान दे सकती है, न सुरक्षा दे सकती है, न गरीब कल्याण ही कर सकती है और न आस्था का ही सम्मान कर सकती है। आस्था का सम्मान कैसे होता है? डबलिंजन की सरकार की ताकत पर प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण बन रहा है ना भाइयों बहनों, बन रहा है ना? कोई संदेह? राजस्थान में कांग्रेस के इस माफिया प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए 1977 में पहली बार कार्य प्रारंभ हुआ था, जब सरदेव श्री भैरव सिंह शेखावत जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने राजस्थान को एक पहचान दी। योजनाओं के लिए जब मैं बात करता हूं तो मुझे इस मेवाड़ क्षेत्र में ही उदय सागर झील देखने को मिलती है। महाराजा उदय सिंह जी के समय में इतनी भारी झील किस रूप में बनी थी, जल संरक्षण का आदर्श उदाहरण। ये पूरा क्षेत्र झीलों की नगरी कहलाई और वास्तव में स्वतंत्र भारत में इस समस्या का समाधान अगर किसी ने निकाला था तो वह निकाला था सरदेव सिंह शेखावत जी ने। राजस्थान में यहां के भावनाओं के अनुरूप विकास होना चाहिए, उन्होंने निकाला था। राजस्थान पर्यटन का हब बनना चाहिए, इसका उदाहरण भी प्रस्तुत किया था उन्होंने। आज देखता हूं मैं कि हेरिटेज टूरिज्म में सर्वाधिक टूरिस्ट राजस्थान में आता है। मैं अभी पिछले सप्ताह भी उदयपुर आया था, उदयपुर एयरपोर्ट पे उतरा। मैंने कहा कि उदयपुर एयरपोर्ट में कितनी फ्लाइट आती है, मुझे बताया गया 25 फ्लाइट आ रही टूरिस्ट। ये टूरिस्ट यहां राजस्थान में केवल टूरिज्म को डेवलप करने का नहीं, यहां रोजगार के सृजन का, हर स्तर पर लोगों को नए रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी के समय प्रारंभ हुआ। उस कार्यक्रम को आगे श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी के नेतृत्व में भी आगे बढ़ाया गया। लेकिन भाइयों बहनों, याद रखना, विकास, टूरिज्म और रोजगार के सबसे बड़े बैरियर है माफिया राज। कांग्रेस इसका सबसे बड़ा बैरियर है और कांग्रेस आपकी आस्था पर भी खिलवाड़ कर रहा है, आपकी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। कांग्रेस के द्वारा विकास में घोड़े अटकाने का कार्य भी हो रहा है। इस अवसर पर जब राजस्थान विधानसभा का चुनाव चल रहा है तो भाइयों बहनों, चुनाव में केवल विधायक का ही चुनाव नहीं होता है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मुझे टिकट मिले और होना भी चाहिए। हर कार्यकर्ता को, हर जनप्रतिनिधि को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन पार्टी ने एक बात तय किया, मैं मानता हूं श्री चंद्रहान सिंह आज्ञा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और उन्होंने कार्य किया। लेकिन पार्टी के निर्णय के साथ अगर वे जुड़ते उनका भी सम्मान होगा। और मुझे लगता है कि जिस माफिया राज के खिलाफ हमें मिलकर के लड़ना है, उस माफिया को भी ये डबल इंजन की सरकार बनने के बाद राजस्थान से आत्मा भी होगा, आस्था का सम्मान भी होगा। और यही भावनाओं के साथ आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरपत सिंह राजवी जी को आपके बीच में प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। भाइयों बहनों, वो एक वरिष्ठ नेता है, उन्होंने 10 वर्षों तक यहां पे सेवा की, विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया और आज भी उनके मन में एक तड़प है कि मैं इस अभियान का साथी बनकर के आगे बढ़ सकता हूं। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि श्री नरपत सिंह राजवी जी और को एक अवसर दीजिए,
डबल इंजन सवाल विधायक का भी सवाल डबल इंजन की सरकार बनाने का है। प्रश्न डबल इंजन सरकार बनाने का है और डबल इंजन की सरकार जब आती है तभी राम मंदिर का सौभाग्य भी आता है। राम राज्य के आधारशिला तो मोदी जी ने रख दिया है, अब राम राज्य का आनंद भी लेना है हमारे देशवासियों को। याद रखना जब हम राम मंदिर का आंदोलन चलाते थे तब लोग कहते थे एक ही बात, क्या तब लोग एक ही बात कहते थे, क्या राम मंदिर बन जाएगा? हम कहते थे क्यों नहीं बनेगा। लोग कहते थे आप देखते हैं क्या है वहां खड़ा। हमने कहा था बहन तो भाई फिर आराम से बहन तो कोई बात नहीं भाई, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, अनावश्यक। और इसलिए भाइयों बहनों उस समय हम लोग एक बात कहते थे, हम लोग एक ही बात कहते थे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, बोलते थे ना एक ही बात बोलते थे। कांग्रेस के लोग हंसते थे, जो राम मंदिर के विरोधी थे हंसते थे, संतों के हंसते थे, पूज्य संतों के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा था हंसते थे, अरे साधु संत क्या कर पाएंगे। हमने कहा कुछ इस नारे को टेढ़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी उंगली से निकलेगा। हमने कहा था भाइयों बहनों कि राम लला हम आएंगे, पहले गुलामी का ढांचा हटाएंगे। और भाइयों बहनों गुलामी का ढांचा हटाना और फिर कहा मंदिर यही बनाएंगे, मंदिर बन रहा है ना। और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला भी विराजमान होने वाले हैं, सहमत है ना, कोई संदेह? अच्छा मुझे बताओ चित्तौड़गढ़ से कितने लोग अयोध्या धाम जाने के इच्छुक हैं? ये पूरा चित्तौड़गढ़ आपका अधिकार है, अयोध्या पे तो आपका अधिकार है। भाइयों बहनों अब मैं आपसे एक ही बात की अपील करूंगा, हमने अपने विधायक जेवर के विधायक को यहां भेजा हुआ है यहां देखने के लिए कि आपके साथ संवाद बनाएंगे, और मैं नरपत सिंह राजवी जी से भी कहूंगा और मैं आपसे भी अपील कर रहा हूं, आप नरपत सिंह राजवी जी को विधायक बना करके जयपुर भेजिए और 22 जनवरी के बाद वह चित्तौड़गढ़ के लोगों को अयोध्या धाम पहुंचे, बाकी वहां की व्यवस्था हम देख लेंगे। सहमत है? सभी लोग सहमत है? सभी लोग सहमत है ना? तो मेरे साथ एक बार दोनों हाथ पकड़ करके बोलेंगे जहां तक मेरी आवाज जा रही है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महारानी पद्मिनी की, महारानी पद्मिनी की, महारानी मीराबाई की, महारानी मीराबाई की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। Jai Shri Ram, 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 Jai Shri